इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। चौटाला जी जब यहाँ जब हरियाणा में आए, दोबारा आए, उस टाइम 12,500 करोड़ डेफिसिट में था हरियाणा। जब चौटाला जी यहाँ से गए 14,500 करोड़ छोड़ के गए, इस टाइम 70,000 करोड़ डेफिसिट में हरियाणा चल रहा है। ये कांग्रेस की देन है। आपने खुद देखा कि 2 घंटे लगे हैं अंबाला से यहाँ आने में। इसी तरह एक एक घर की पोजीशन ये है कि घरों में गैस तक नहीं मिलती है। 1,095 रुपए की 12 महीने के बाद में अगर आप बुक करते हैं, 20 दिन के बाद में गैस ना मिलके, अब 1 महीने के बाद में गैस मिलती है और 1,095 रुपए की। एक ईंधन जो बेसिक चीज है घर की, घर का चूल्हा उसी से चलता है, उसको खत्म करके रख दिया कांग्रेस सरकार ने। आपकी सरकार ने तो सारा कुछ खत्म कर दिया, इस तरह के आरोप। भाई प्रदीप ने एक बात कही, अभी 200 रुपए पेंशन मतलब जोर से चौटाला साहब ने दी, 100 रुपए चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी, 100 रुपए भी मतलब खत्म कर दी थी। कितनी हो गई? उसके बाद चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री बने, वो 100 से 200 करी, और 100 से 200 करके जी 5.5 साल चौटाला साहब की सरकार रही। जाए साहब ने 10 रुपए भी बढ़ाए जो वीडियो के मंडल के भी। कितनी पेंशन हो गई? 1,000 रुपए पेंशन अरियर खाली। 1,000 पेंशन कर दी, लेकिन क्या 1,000 रुपए में घर का खर्चा चल सकता है? आपसे जानना चाहूंगा, 1,000 रुपए पेंशन कर दी, क्या 1,000 रुपए में पेंशन जो मिल रही है उससे घर का खर्चा चलेगा? देखिए, जो पेंशन दी है वो एक अलग बात है, लेकिन मैं एक कर्मचारी हूँ, कर्मचारियों की बात करूंगा। 3.5 लाख कर्मचारी इसे प्रदेश के अंदर है। कोई भी राजनीतिक पार्टी कर्मचारियों के हित की बात नहीं करती है, और जितने भी साथी यहाँ बेरोजगार लड़के हैं सारे के सारे, सभी के हाथ में झंडे हैं सभी पार्टियों के, लेकिन किसी भी पार्टी के पास एजेंडा नहीं है कि इन बेरोजगारों को क्या करेंगे, इनको रोजगार देंगे। स्वास्थ्य में कमी है कर्मचारियों की, बिजली में कमी है, रोडवेज में कमी है, शिक्षा में कमी है, तो वो शिक्षा के बढ़ावे के लिए इन बेरोजगारों को रोजगार देंगे, तभी तो आगे देश बढ़ेगा। सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई सुविधा जगाधरी नगर में तो मैंने आज तक नहीं देखी है। सारे जगाधरी की सड़कें टूटी हुई है, एनक्रोचमेंट है, और हर तरह से जगाधरी का आप एक नरक कह सकते हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट की टूटी हुई है, पूरे डिस्ट्रिक्ट की सड़कें टूटी हुई हैं। 10 साल में ना कोई कार्य हुआ है। यमुनानगर पूरे डिस्ट्रिक्ट का इतना बुरा हाल है, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले तो थोड़ी बहुत सड़क चलने के लिए मिल जाएगी। यहाँ सड़क नहीं, सड़क में खड्डे हैं, खड्डे कहते ना सड़क में, सड़क खड्डू में है। बिजली यहाँ नहीं मिलती, रेत बजरी किसी को नहीं मिलती। नंबर 2 में कांग्रेस सरकार क्या कर रही है? नंबर 2 में रात को रेत बजरी करवा रही है। जो गरीब आदमी है वो कहाँ से लेगा? आप उत्तरी हरियाणा कांग्रेस संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, क्या आपकी क्या डिमांड रहती है, किस तरह की समस्या सामने आती है? भाई, मैं उत्तरी हरियाणा संघर्ष समिति का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भाई चौधरी अर्जुन सिंह से एक निवेदन करता हूं कि आज तक ये सत्ता में रहे, 5 साल से 10 साल से हरियाणा की ये सत्ता संभालते हैं, आज तक युवाओं के लिए इतना बड़ा भेदभाव मुख्यमंत्री हुड्डा के द्वारा होता है, ये सरियाम सबको दिखता है। यदि 80 लड़के वहां के लगाए जाते हैं रोहतक के, और 40 लड़के यहाँ के लगाए जाते हैं, तो केवल यहाँ के 10 लड़के लगाए जाते हैं, 30 लड़के रोहतक के लगाए जाते हैं, ये क्या भेदभाव है? और जो विपक्ष के नेता हमारे, चाहे उसमें चौटाला पार्टी के हैं चाहे भारतीय जनता पार्टी के, विपक्ष में विधानसभा में बैठ करके ये कभी आवाज नहीं उठाते, ये किस प्रकार की इनकी राजनीति है, ये आप इनसे जरूर से पूछता हूँ। बड़े भेदभाव के आरोप लग रहे हैं कि उधर विकास ज्यादा हो रहा है। जिस पार्टी की ये बात कर रहा है, जोड़ से ना जामते ही कसी आएगी, वो क्या आकर किसी का पूरा पड़ागा? ये बात तो पैदा ही होगा, गेल की गल कसी आएगी ना, एक दिन भी नहीं चला पाए दूसरे पे क्या इलीगेशन लगाओगे? और आज तक जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ज्यादा आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने आज लगे रहने में काम नहीं किया, चाहे वो मान सम्मान पंचों का है, चाहे सरपंचों का है, चाहे मेंबर पंचायत का है, चाहे लंबरदार का है, और चाहे आंगनबाड़ी है, गांवों में जिपा। आम आदमी से पूछ लेता हूँ, क्या मान सम्मान मिला आपको कांग्रेस की सरकार? ऐसा है, अब जनता जाग गई है, अब लोगों को, आम आदमी को ये मालूम पड़ चुका है कि अब हमारा और कोई रखवाला नहीं है। सर, 70% कैंडिडेट अगर इनके निकल करके बीजेपी में चले गए हैं, उनको सम्मान नहीं दे सके, तो आम आदमी को क्या सम्मान दिया होगा? हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई, ये बीजेपी और वैसे जब इनका समर्थन था तब कौन सी सड़कें बनी थी? तब पेंशन 200 रुपए दी जाया करती थी, आज पेंशन 1,000 रुपए दी जाती है। आपकी सड़कों का निर्माण कर रहा है,
आज हर गांव के अंदर चौपाले और ये सब कुछ बना हुआ है जी। तो एक कौन कहता है विकास की बात नहीं हो रही, आज विकास की बात हो रही है, आज विकास के सारे काम हो रहे हैं जी और विकास के नाम पर ही वोट ली जा रही है। मैं सर इनका और हमारा चरित्र आपको पता लग रहा है, जब ये लोग बोल रहे थे हमारी पूरी पार्टी शांत और डिसिप्लिन बैठी थी, अब हमारे बोलने की बारी आई है। इन दोनों पार्टियों के पास बातें नहीं है करने को, मुद्दों पर ये डिबेट नहीं करनी चाहती, इसलिए ये ऐसी हरकतें दिखा रही है। जब तक हम ये बोल रहे थे हम सब डिसिप्लिन में बैठे थे, इनकी बात सुन रहे थे। इन दोनों पार्टियां चोर है, इनके पास बात करने को नहीं है, इसलिए ऐसी हरकतें दिखा रही है। आपकी पार्टी को तो दिल्ली में मौका मिला वो भाग ली। हमने सर मुद्दों पे छोड़ी है, लाल बहादुर शाह मुद्दा था, एक नियम फॉलो करना था, उस फॉलो नियम को करने में दिक्कत क्या थी? ज्यादा से ज्यादा 10 दिन लग जाते उस नियम को फॉलो करने में, लेकिन लोकपाल तो लोगों को मिलता। सर लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था रेल मंत्री होते हुए नैतिक आधार पर, हम इनके यहाँ पर कौन सा नैतिकता का आधार था? यहाँ तो नियम फॉलो करने की बात थी, लेकिन आपने नियम फॉलो नहीं किया जी। क्या लगता है आम आदमी पार्टी जो भाग गई वो केंद्र में अच्छी सरकार? देखिए केजरीवाल जी ने दिल्ली में कहा था कि हम किसी से समर्थन नहीं लेंगे, कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन दे दिया। जब उन्होंने सरकार बनाई वो कहते हमने कांग्रेस से समर्थन नहीं मांगा, फिर भी 49 दिन उन्होंने कांग्रेस के समर्थन से ही सरकार बनाई। जो व्यक्ति दिल्ली के अंदर जिसको सत्ता मुफ्त में मिली हो वो वहां पर राज नहीं कर सकता, वो पूरे देश के अंदर क्या राज करेगा? आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा, अगर आपकी पार्टी आती है जीतकर सीटें लाती है हरियाणा से, किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे आप? कांग्रेस के खिलाफ जो भी कोई प्रधानमंत्री या कैंडिडेट होगा, कैंडिडेट घोषित हुआ है नरेंद्र मोदी कैंडिडेट हुए और आप उनकी पार्टी से लड़ने का, ये तो बीजेपी वालों ने मान लिया कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। आज बीजेपी वाले नरेंद्र मोदी को हराने में लगे हुए हैं, आपके सामने सारे कांग्रेस आप लोग समर्थन देने की बात कर, अगर विपक्षी सरकार बनती है कांग्रेस के खिलाफ तो इंडियन नेशनल लोकदल का जो समर्थन है वो विपक्ष के प्रधानमंत्री को होगा। कोई भी विपक्ष का प्रधानमंत्री जो भी बनेगा इंडियन नेशनल लोकदल का समर्थन उसको जाएगा। और जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम सरकार ने चालू किया, खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो सरकार ने चालू किया उसका क्या? कुछ भी नहीं हुआ, धजिया उड़ के रहे। हमारा एक मिनट राजू, हेलो, ऐसा है जी के 95 में कांग्रेस ने एक पेंशन योजना शुरू की थी कर्मचारी भविष्य निधि के आगे तहत, उसमें हमारा पीएफ जो है 10% कटता था एम्प्लॉयर का, 10% एम्प्लॉय का। उसमें हमारा पेंशन योजना में ये आश्वासन दिया था नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे कि ये रिव्यू होगा, आज तक वो आप बड़ी मोदी मोदी करके क्या विकास हो पाएगा? आपके तरफ से नारे लग रहे हैं मोदी मोदी के, मोदी का मतलब विकास है, बीजेपी के जो सिद्धांत है वो पीछे रह गए? नहीं देखिए, मोदी जी ने जो विकास किया है वो बीजेपी के सिद्धांत है, उन सिद्धांतों से ही उन्होंने विकास किया है। और केवल मोदी नहीं, जितनी स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आप उसकी ग्रोथ रेट देख लो, सारी की ग्रोथ रेट ज्यादा है, चाहे गुजरात की 11% है, वैसे ही मध्य प्रदेश की लगा लो, उसके बाद छत्तीसगढ़ की लगाओ, सारी की ग्रोथ रेट ज्यादा है। और विकास का काम जहां जहां भी बीजेपी के मुख्यमंत्री है वहां पर विकास का काम ज्यादा हो रहा है। और मोदी जी को पूरे देश ने स्वीकार किया, पूरी देश की जनता ने उनको माना है कि यही एक योग्य व्यक्ति है जिसको देश का प्रधानमंत्री उड़ाती है, तो वो जनता का प्रतिनिधि है। और जहां तक चुटाला साहब की बात है, उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि मोदी बने, क्योंकि माहौल जो है मोदी के पक्ष में है। तो फिर अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं जब मोदी को बनना है इनेलो और आप क्यों नहीं आए? केवल स्वार्थ की राजनीति के कारण आपको कम सीटें मिल रही थी उनके वोट? मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि ऊपर जो है वो जनता जानती है, जनता को पता है कि मोदी